नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम पके हुए आम का मैंगो शेक हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। ये हमारा एक आम है जिसको मैंने धुल छिल के ये मैंने काट लिए हैं पीस, और ये थोड़ा सा हमारा बर्फ़ के टुकड़े हैं, और एक गिलास दूध है, और चार चम्मच चीनी है, कुछ बादाम और पिस्ता काट कर मैंने रखा है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। ये हमारी मिक्सी है जिसको मैं और ये मेरी नई मिक्सी है। देखिए आज मैंने इसकी पूजा भी की है, और इसी में मीठा से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मिल्क शेक इसमें हम बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम इसमें आम डालेंगे, उसके बाद चार चम्मच मैं चीनी डालूंगी। आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डालिए, तीन और एक ये चार। देखिए ये पूरा चार हो गए। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, और दूध को आधा डालूंगी क्योंकि अभी इसको हमें पीसना है, थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ा बचा लेंगे। स्मूथली जब पीस जाएगा तो हम इसको दोबारा डालेंगे। दो चार बर्फ़ के पीस भी डाल दे रहे हैं। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इसमें हम जो बचे हुए दूध है अब मैं इसको डालूँगी, क्योंकि इकट्ठा जो है वो फेंक देता है, और एक आम में एक गिलास दूध पड़ेगा ही। और बर्फ़ के कुछ और क्यूब डालेंगे, बाकी एक दो ऊपर से डाल देंगे जिससे बिल्कुल चिल रहे। मैं इसको ऑफ कर बंद कर दे रही हूँ। अभी नया है तो थोड़ा सा बिल्कुल टाइट है। वाह कितना अच्छा बन गया मेरा। ये देखिए अब मैं सर्व कर रही हूँ, तो कुछ पिसे ही नहीं, दूध तो और डालने पड़ेंगे क्या। अब स्मूथ हुआ है, देखिए झागदार बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं दोनों ग्लास में सर्व करूँगी, बिल्कुल ठंडा ठंडा है, एक दो पीस आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। झाग बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसी तरह झागदार ही बनाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और इसमें हम अब डालेंगे, पहले एक एक पीस और बर्फ़ डालेंगे
आइस क्यूब डालेंगे। उसके बाद इसमें जो हमने ये मेवे काट के रखे हैं, ये बादाम है, पिस्ता है, ये देखिए सर्व करते समय डालेंगे हम। अब हमारा ये मिल्क मैंगो शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप लोग भी इसी तरह मैंगो शेक बनाइए, पिलाइए, और बिजी इलाहाबादी को कमेंट करिए कि ये मैंगो शेक आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन बिल्कुल भूलिए नहीं दबाना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन पहले जाएगा। थैंक यू।